अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग दाल पकोड़े। ये दाल को हमने 1 घंटा पहले भिगने डाला है। अब इसको हम धोकर पीस लेंगे। मूंग को धो लिया है, अब इसको हम जार में डालकर पीस लेंगे। अच्छा बारीक पेस्ट बना लें। पीस लिया है इस तरह से। अब इसको हम इस कटोरी में निकाल लें। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। ये एक प्याज है, हमने चॉप कर करके रखा है, बड़ी प्याज एक इसके अंदर डाल देंगे। और 2 मिर्ची चॉप करके रखा है, कोथमीर ये भी डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम नमक 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच, हल्दी 1 स्पून थोड़ी, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, 1 से 2 चुटकी सोडा, खाता सोडा। अब इसको हम मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल को गरम को रखा था, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अभी हम इसको फ्राई इस तरह से इसको मिलाकर चम्मच से फ्राई करेंगे। गोल्डन होने तक फ्राई कर लें इसको। इस तरह से पलटा लें। अच्छे गोल्डन फ्राई हो रहे हैं। इस तरह से पलटाते रहे। अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अभी इसको हम निकाल लेंगे। तरह से हम फ्राई
सभी को इस तरह से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं गोल्डन। अब हम इसको निकाल लेंगे। मूंग दाल के भजिए बनकर रेडी हो चुके हैं। आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।